हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं चंचल भाटिया और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, हमने जो साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फूड एंड डाइजेशन, उसी के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। पहले फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आपका हैव नो न्यूट्रिव वैल्यू, जिसमें न्यूट्रिव वैल्यू नहीं होती। अपन ने न्यूट्रिशंस पढ़े थे, आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो इसके अलावा अपना न्यूट्रिशन एक कौन सा होता है, रफेज। तो जो इसमें रफेज में क्या है, न्यूट्रिव वैल्यू नहीं होती है। तो कौन सा होता है न्यूट्रिव वैल्यू जिसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, वो होता है रफेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। अपनी बॉडी को जो वार्म रखता है वो कौन सा न्यूट्रिशंस है, अपना फैट। नेक्स्ट है स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च और शुगर किस में मिलते हैं, अपने को कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। अपनी बॉडी को जो टेम्परेचर है उसको रेगुलर रखता है, यानी कि एक एवरेज रखता है, वो होता है अपना वाटर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ डाइट रिच इन। चिल्ड्रन को ग्रो करने के लिए अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें आगे हैं बच्चों आपके टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है आपका डाइजेशन एंड इन स्मॉल ऑब्लिक लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो डाइजेशन है लास्ट में कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बेकिंग या डिहाइड्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग। कुकिंग का जो मेथड है वो हमारा कौन सा होता है, बेकिंग, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द माउथ ऑइसोफिगस। डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। कौन सा अपने बॉडी का वो पार्ट है, वो होता है ऑइसोफिगस। ऑइसोफिगस को क्या बोलते हैं अपन बच्चों, फूड पाइप। क्या बोलते हैं अपन, सॉरी, फूड पाइप। जो फूड पाइप जो होती है हमारी बॉडी की, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑइसोफेगस। ठीक है, तो वहाँ पे डाइजेशन थोड़ी होता है, वहाँ तो हमारा फूड मूव होता है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बच्चों बाइल एंड सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियास लीवर। बाइल, बाइल क्या है, एक जूस है। अपने फूड में से जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनसे जो अब न्यूट्रिशन से जो ब्लड अब्जॉर्ब करता है, जो एक जूस बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस। तो बाइल जूस जो होता है वो हमारा कहाँ बनता है, लीवर में या पैनक्रियास में, लीवर में। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन बिगेन इन द स्टमक माउथ। डाइजेशन जो होता है हमारा सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ में। सबसे पहले हम माउथ में लेते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग करने के बाद सलाइवा बनता है, तभी तो हमारे फूड का जो डाइजेशन का प्रोसेस है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। तो आगे आपको दिया हुआ है बच्चों एक चार्ट दिया हुआ है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन ब्लो। ये जो हमें चार्ट दिया हुआ है इसको हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले है ऊपर आपको दिया हुआ है न्यूट्रिशन। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, न्यूट्रिशंस। तो सबसे पहले न्यूट्रिशंस में हमारे कौन कौन से आते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स एंड मिनरल। ठीक है, फैट कीप अस वार्म। वार्म हमें क्या, कौन सी चीज़ रखती है, कौन सा न्यूट्रिशन रखता है हमारी बॉडी को, फैट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी। नेक्स्ट हेल्प इन बिल्डिंग बॉडी सेल्स। बॉडी के जो सेल्स हैं उनको बिल्ड करता है, बिल्ड रखता है, बना उनको बिल्ड बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। वो कौन सा हमारा न्यूट्रिशन है बॉडी का, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन एंड मिनरल। विटामिन और मिनरल क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। डिजीज से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसी में ही बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, फूड। फूड उसके बाद नेक्स्ट है माउथ। ये देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है फूड, देन माउथ, एंड माउथ के बाद हमारा कौन सी
प्रोसेस आता है मतलब ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन का नेक्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा आता है, ओएसोफिगस, यानी कि फूड पाइट। ओएसोफिगस के बाद हमारा क्या होता है नेक्स्ट, स्टमक, ठीक है। एंड लास्ट स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। एनस के थ्रू हमारा फूड जो है पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेस्ट होके वेस्ट बॉडी का पार्ट, बॉडी का फूड वो आउट हो जाता है एनस के थ्रू। ओके, अब इसी में ही आगे आपको दोस्तों दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर, जिस फूड में हमारे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मिलेगा तो उस फूड को हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट है आपका बॉडी बिल्डिंग, नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव फूड, एंड देन नेक्स्ट है आपका एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलेंगे हम उसको, एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टेड फूड, फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द डाइजेस्टेड, जो हमारा ब्लड है, जो बॉडी, जो हमारा ब्लड है हमारे फूड में से, जो डाइजेस्टिव, जो हमारा ब्लड है बॉडी में वो हमारे फूड को जो डाइजेस्ट करता है वो कौन से पार्ट में करता है बॉडी के, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद तो हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ क्या होता है, वहाँ सारे न्यूट्रिशंस वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फूड को डाइजेस्ट कर देता है, तो इसमें हम लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका फूड पासेस इनटू डैश फ्रॉम द स्टमक। स्टमक में जो फूड हमारा पास होता है वो किसके थ्रू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फूड पाइप। इसमें क्या लिखेंगे हम बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड जो हमारा पास होता है स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल स्टमक में से तो वो हमारा फूड जो है उसमें सारे डाइजेस्ट हो जाता है, जो प्रोटीन न्यूट्रिशन कर लेता है हमारा, जो फूड में न्यूट्रिशंस में प्रोटीन हमारे जो फूड में अवेलेबल होता है वो कहाँ सारा एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में, ठीक है, और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुँच जाता है। नेक्स्ट है आपका जिसमें हम लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है, माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें लिखेंगे हम, अभी बताया था मैंने आपको बच्चों, स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ट्यूब दैट कनेक्टेड द माउथ टू द स्टमक इज द, जो ट्यूब होती है हमारी, ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट होती है माउथ से लेकर स्टमक तक, किसके थ्रू, उस ट्यूब को आप क्या बोलेंगे। फर्स्ट है आपका फूड पाइप, नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट और नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। हम इसमें क्या लिखेंगे, फूड पाइप, ठीक है। अब आगे इसी में बच्चों हम पढ़ेंगे, आगे है आपके इसमें ट्रू फॉल्स। रफेज हैज हाई न्यूट्रिव वैल्यू, नो। रफेज क्या होता है, रफेज होता है फाइबर, जैसे मौसमी हो गई और जैसे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं हमारे पालक, कोरिएंडर, हरा धनिया, पुदीना, तो वो सब क्या होते हैं, रफेज होते हैं, उसमें हाई वैल्यू में रफेज होता है, नॉट न्यूट्रिव वैल्यू। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन हेल्प टू रिपेयर वॉर्न आउट सेल। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को वॉर्न रखता है पूरे सेल्स के थ्रू, हमारी बॉडी को रिपेयर रखता है, यस ट्रू, इसमें हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है आपका बच्चों वी शुड थ्रो द वाटर इन विच पल्स आर सोक्ड, सोक्ड, हम जब पानी को फेंक देते हैं तो जो पल्स है, वी शुड थ्रो द वाटर, हमें उस पानी को फेंक देना चाहिए, इन विच पल्स आर सोक्ड, जो जो पल्स होती हैं वो जिस वाटर को सोख लेती हैं उसे हमें फेंक देना चाहिए, फॉल्स, इसमें हम लिखेंगे बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट है सलाइवा चेंज शुगर टू स्टार्च इन द माउथ,
सलाइवा, यानी कि जो हमारे माउथ में सलाइवा बनता है यानी कि जो थूक बनती है, वो शुगर को स्टार्च में चेंज कर देती है? नो, फॉल्स। रोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। रोस्टिंग जब आप करते हो किसी भी फूड को, तो रोस्टिंग करने के मेथड को आप प्रिजर्वेशन कहेंगे? नो, रोस्टिंग करने वाले मेथड को हम प्रिजर्वेशन नहीं कहेंगे, सो उसमें लिखेंगे बच्चों फॉल्स। आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में बच्चों, इसमें आपके और फिल ब्लैंक्स दी हुई हैं, इस इनको हम पढ़ेंगे। तो यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड, जो यूजफुल सब्सटेंस हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करने को, दैट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड, दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज कॉल्ड। जब हमारे फूड को सिंपल सब्सटेंस में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, जब हमारे ब्लड से उसमें फूड में से जो भी न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं उसको हम उसको जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट है आपको बच्चों, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायर बाय द बॉडी इन द जो अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी को डाइट रिक्वायर्ड होती है जिसमें पूरे न्यूट्रिशंस होते हैं, राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड, जिस फूड में हमारे कंप्लीट न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं उस फूड को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। तो इसमें लिखेंगे बच्चों बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है आपका कुकिंग फूड किल्स, फूड को कुक करने के बाद उसमें क्या होता है, कौन मर जाता है? जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम रॉ खा सकते हैं, बट कुछ जो फूड होते हैं मोस्टली उनको हम जो कुक करे बिना नहीं खा सकते, तो उनको जब कुक करते हैं तो क्या होता है, उसमें जर्म्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश एंड डैश हेल्प द बॉडी टू फाइट डिजीज, डिजीज से फाइट करता है, कौन से हमारे न्यूट्रिशन से जो डिजीज से फाइट करते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लिखेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। हाँ तो बच्चों, अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी हो ताकि हम इससे भी आपको बेहतर और वीडियोस दे सकें तो उसके लिए आप शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से आपको जो जो नए हम वीडियोस डालते रहें और भी सब्जेक्ट के, तो आपको मिलते रहें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।